हेलो एवरीवन, आज हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स देखेंगे। आज देखेंगे क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज फॉर एनी टू इंटीजर्स, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी होता है। दैट इज अगर आप क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी के बराबर होगा। चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ चलिए हम इसे इवेल्युएट करते हैं। इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64, क्योंकि हमने अभी कहा कि यदि कोई दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट लेते हैं हम और उसका क्यूब रूट निकालते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है यानी क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी के बराबर होता है। सो इसी तरह से हमने क्यूब रूट ऑफ जब 125 इंटू 64 लिया सो इसका जो वैल्यू होगा वो क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64 के बराबर होगा। सो इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्यूब रूट, और 125 जो है वो 5 का क्यूब है, सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 64 जो 4 का क्यूब है यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 आप इसे लिख सकते हैं। इज इक्वल टू आप यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे क्यूब रूट का सो आपको यहाँ से 5 मिलेगा और यहाँ से 4 मिलेगा, इज इक्वल टू आपको मिला 20, ये जो हुआ आपको आंसर हुआ। तो चलिए हमारे पास और एक एग्जाम्पल है, यहाँ हम यहाँ 216 और -343 के प्रोडक्ट का क्यूब रूट निकालते हैं, दैट इज 216 इंटू -343 इसका जो क्यूब रूट हमें निकालना है। सो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू क्यूब रूट ऑफ -343, क्योंकि हमने अभी कहा कि क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी वेयर ए एंड बी आर टू इंटीजर्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी होता है। सो इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ हमने लिख दिया इज इक्वल टू, अब हम क्यूब रूट ऑफ 216 लिखेंगे इंटू नेगेटिव ऑफ क्यूब रूट ऑफ 343, क्योंकि हमने पहले ही कहा किसी भी इंटीजर एक्स के लिए क्यूब रूट ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स होता है। सो इस तरह से हमने पहले माइनस को यहाँ बाहर निकाल दिया, अब हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 343 बच गया। तो हमने यहाँ इस तरह से लिख दिया इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216 जो है वो 6 का क्यूब है, सो आप यहाँ लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू माइनस, और 343 जो है वो 7 का क्यूब है यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, तो जो वैल्यू हमें मिलेगा इज इक्वल टू 6 इंटू यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा -7 इज इक्वल टू -42, ये जो हमारा आंसर हुआ। चलिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, यहाँ -216 इंटू 1728 इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ -216 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1728। तो यहाँ देखें क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी होता है फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी। तो फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी क्यूब रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। तो हमने यहाँ इस तरह से क्यूब रूट ऑफ -216 इंटू 1728 को इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया, दैट इज क्यूब रूट ऑफ -216 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1728। यहाँ हमने माइनस को बाहर निकाल लिया क्योंकि फॉर एनी इंटीजर एक्स क्यूब रूट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये होता है। सो आप इस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले 216 यहाँ हमने लिख दिया। सो अब देखें इसका यूनिट डिजिट जो है 6 है, यानी 216 का यूनिट डिजिट 6 होगा, सो इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट जो होगा वो भी 6 होगा, यूनिट प्लेस में 6 हो गया। अब देखें क्या टेंस प्लेस में कोई डिजिट आएगा, इसके लिए हमें सबसे पहले इसके यूनिट्स टेंस एंड हंड्रेड प्लेस के डिजिट को स्ट्राइक आउट करना है या काटना है। सो हमने इसके यूनिट्स टेंस एंड हंड्रेड प्लेस के डिजिट को जब स्ट्राइक आउट किया या काट दिया, हमारे पास कोई डिजिट यहाँ नहीं बच रहा है या कोई नंबर नहीं बच रहा है। सो इस केस में 216 का जो क्यूब रूट होगा वो 6 होगा, यानी इज इक्वल टू यहाँ जब वैल्यू प्लेस करेंगे आप यहाँ मिलेगा -6 इंटू, अब हमें 1728 के क्यूब रूट का वैल्यू निकालना है। सो क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू व्हाट, आप देखें 1728 का यूनिट डिजिट 8 है, सो इसके क्यूब रूट 1728 का यूनिट डिजिट जो होगा वो 2 होगा।
क्योंकि जब भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 होता है उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 2 होता है। अब इसके टेंस प्लेस में क्या कोई डिजिट आएगा ये हमें देखना है। सो 1728 के यूनिट टेंस एंड हंड्रेड प्लेस के डिजिट को स्ट्राइक आउट करने के बाद हमारे पास नंबर 1 बच गया। अब हमें एक ऐसा लार्जेस्ट सिंगल डिजिट इंटीजर देखना है जिसके क्यूब का वैल्यू या तो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा। जब हमने 2 का क्यूब लिया आप देखें 8, सो 8 जो है 1 से बड़ा है, यानी इस केस में ये सूटेबल नहीं है। जब हम 1 का क्यूब लेते हैं हमें 1 मिलता है, यानी 1 का क्यूब हमने 1 लिया जो कि 1 जो है यहाँ 1 जब हमने लिया इसके बराबर है। सो 1 जो है सूटेबल डिजिट है, इसके टेंस प्लेस में 1 हमें शिफ्ट कर देना है, यानी क्यूब रूट ऑफ 1728 हमें 12 मिला। जब हमने यहाँ 12 वैल्यू रख दिया इज इक्वल टू हमें वैल्यू हमें जो मिलेगा वो होगा -72।